शुरुआत हो गई। हालांकि आसमान में देखिए एक बिंदु की तरह आप इस समय देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से यह अप्रोच करेगा, बहुत तेजी से अप्रोच करेगा विमान। ये मुमकिन है मिराज 2000। गौरव क्या कहेंगे? बिल्कुल, डेल्टा विंग मिराज 2000 का होता है। रफाल विमान अगर आ रहा है तो भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक विमान तेजी से लैंड करेंगे। जैसा कि आपने देखा, लैंड करने के साथ ही इस जहाज एक छोटी जगह पर जब आप लैंड करते हैं, ये 3 किलोमीटर से कुछ ऊपर का हिस्से को चिन्हित करके रखा गया है। ये आप अगर पीछे से उसके एक पैराशूट निकलते हुए देख रहे हैं तो आपकी स्पीड शॉर्ट लैंडिंग अरेस्ट, जी शॉर्ट लैंडिंग में बहुत काम है। तो ये केवल टच एंड गो नहीं, लैंड भी कर रहे हैं। जो शुरू में कहा गया कि ये सिर्फ टच एंड गो करेंगे, लेकिन मिराज 2000 जिसको हम लोगों ने बालाकोट में इसके ऑपरेशंस देखे, कारगिल की लड़ाई में इसके ऑपरेशंस देखे, ये मिराज 2000 है। इसके आगे जो मिड एयर रिफ्यूलिंग पॉड लगा है तो ये दिखाता है कि ये विमान उस समय मिड एयर रिफ्यूल करने में भी सक्षम है। आधुनिक विमान, ग्वालियर में इसका बेस है मिराज 2000 का। 1984 में फ्रांस में इसकी पहली उड़ान हुई थी, 1986 में भारत के साथ करार हुआ था। इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। इस त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाएगा। इस विमान के पायलट हैं ग्रुप कैप्टन प्रणव राज। युद्ध की परिस्थितियों में किस तरीके से फौरन तैयार हुआ जाता है अगले मिशन के लिए, उसका प्रदर्शन आप इस समय देख रहे हैं एक एक करके विमानों का। और टच एंड गो नहीं, वाकई एक एयर शो की तरह से, जहां पर इस एक्सप्रेसवे पर विमानों को एक के बाद एक आप लैंड करते भी देखेंगे और उसके बाद उड़ान भरते हुए भी देखेंगे। गजब का ही है, गजब की तस्वीर होती है जब आंखों के सामने। और एक्सप्रेसवे समझ लीजिए कि इन विमानों की जितनी जितनी चौड़ाई है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरह की आवाजों से गूंज रहा होगा ये पूरा क्षेत्र, लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मिशन के पश्चात उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। पूरी प्रक्रिया से लोगों को वाकिफ कराया जा रहा है भारतीय वायुसेना में। सिर्फ देखिए जो दिखता है वो केवल एक पायलट होता है, आप देखते हैं अपने ओवरऑल्स में आकर वो काम कर रहा है, लेकिन जो मेंटेनेंस टीम होती है, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इसके पीछे होते हैं, जो दिन रात ये निश्चित करते हैं कि ये जो विमान है ये उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से सही स्थिति में रहे, उनकी भी भूमिका बड़ी होती है। लिहाजा यहां पर लैंड करके मिराज 2000 पहुंच रहा है अपने उस मेंटेनेंस क्रू के बीच, जो अभी इसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर उड़ान। अच्छा, और यहां ये दिखाया क्यों जा रहा है, ये बताने का प्रयास है कि इन विमानों को अगर लैंड कराया गया एक्सप्रेसवे पर तो क्यों, कितनी तेजी से इन विमानों ने लैंड किया। डेल्टा विंग मिराज 2000 लड़ाकू विमान, इसने लैंड किया तेजी से, इसका परीक्षण होगा, इसको फिर फिट किया जाएगा टेक ऑफ के लिए और ईंधन भरा जाएगा। तो युद्ध में क्यों एक्सप्रेसवेज की अहम भूमिका होती है, ये हम इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अगर दुश्मन ने आपके एयरबेसेस को निशाना बनाया है, आपका विमान जो टेक ऑफ कर चुका था एयरबेस पे नहीं लैंड कर पा रहा, तो वो एक्सप्रेसवे पर लैंड करता है। एक्सप्रेसवे पर जो निर्धारित पूर्व निर्धारित जगह है वहां पर टेक्नीशियंस पहले से मौजूद है, ईंधन पहले से मौजूद है और विमान में जल्दी से ईंधन भरा जाता है, नए बम लगाए जाते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी रिपेयर की आवश्यकता है वो जल्दी से की जाती है और विमान फिर उड़ने के लिए तैयार। तो ये 3.2 किलोमीटर का रनवे तैयार है श्वेत।